हेलो गाइज, राधे राधे, कैसे हो आप सभी। और गाइज, मैं अभी जस्ट आई हूँ वृंदावन से। आके मैंने पूजा की है, शाम हो चुकी है, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। और भीड़ थी, हम सोचे थे भीड़ या क्राउड बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन था, बहुत ही ज्यादा था। तो बस धक्का मुक्की में इतने अच्छे दर्शन हुए, और मैं तो रोने लग जाती हूँ। भगवान जी को जब भी देखती हूँ तो मैं रोने लग जाती हूँ, और रोते 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 भीड़ में से ऐसे घुसते घुसते, मेरे को सब मना करते हैं कि आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना, लेकिन मैं घुसते 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 आगे चली जाती हूँ और भगवान जी का नाम लेती रहती हूँ। और मुझे बहुत अच्छे से दर्शन दिए भगवान जी ने। बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद राधा वल्लभ जी के दर्शन किए। राधा वल्लभ जी वहीं पर है, मैं फर्स्ट टाइम दर्शन करके आई हूँ राधा वल्लभ जी के। और तो राधा वल्लभ जी के जो मेन गुरु हैं, जो वहाँ पे सेवा करते हैं, उनसे भी मिली और बहुत अच्छा लगा, उनका आशीर्वाद भी हमें मिला। और आप लोग वृंदावन जब भी जाओ, बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद, वहीं पे पास में ही राधा वल्लभ जी का मंदिर है, बिल्कुल पास में ही है, जरूर जाना, जरूर जाना। जैसे बांके बिहारी का मंदिर है, सेम ऐसे ही राधा वल्लभ जी का मंदिर है। मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ। और आप लोगों को पता, सुबह 4 बजे अलार्म लगा के सोई थी और 4:10 पे उठ गई थी। फिर पूरे घर में झाड़ू लगाई, पोछा नहीं लगाया था। उसके बाद मैंने खाना बनाया था, बेटे का, अपना और हस्बैंड का, ठीक है गाइस। और ये देखो कुछ सामान लेके आई हूँ मैं, दिखाती हूँ। कान्हा जी की ड्रेस लेके आई, देखो कितनी प्यारी है ना ड्रेस, ठीक है गाइस। और एक ड्रेस ये देखो, और ये माला लेके आई हूँ। ये भी ड्रेस है, बहुत प्यारी ड्रेस है ये, तो ये लेके आई हूँ। और ये दिखाती हूँ, मेरे को पूजा का सामान खरीदना बहुत अच्छा लगता है। एक ये वाली है, इस कलर की है, ये वाली है ना, और ये वाली है, ये देखो, ये दिवाली पे पहनाऊंगी कान्हा जी को। ये देखो कितनी अच्छी है ना, बहुत प्यारी ड्रेस है ये भी गाइस, बहुत अच्छा लगता है मुझे वृंदावन में, बहुत अच्छा लगता है। और एक ड्रेस और है, देख रहे हो गाइस, बस यही लिया मैंने, और ज्यादा सामान नहीं लिया। बेटे के लिए मैं कुछ लेके नहीं आई हूँ, वो भी बोलता है, गुस्सा करता है, मम्मी मेरे लिए कुछ नहीं लेके आई, लेकिन नहीं लेके आई हूँ, भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो गाइज, आज इतनी तेज धूप निकली, आज इतनी तेज धूप निकली, बहुत ज्यादा तेज धूप थी, इतना पसीना आ रहा था, बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज्यादा। बस कैसे ना कैसे भगवान जी ने मुझे दर्शन दिए, और मेरा अचानक प्रोग्राम बना था, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी थकी हुई हूँ बहुत ज्यादा, और मन कर रहा है कि कोई खाना बना दे और मैं खा लूँ, और खा के मैं सो जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, खुद ही बनाना पड़ेगा। और बाहर से नहीं मंगा सकती मैं खाना, क्योंकि मुझे बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए। और दूसरा ये देखिए, ये मेरा ग्लास है, मैंने इसमें लस्सी पी थी। हम लोग जब भी जाते हैं तो हम लस्सी जरूर पीते हैं, बिना लस्सी पिए हम नहीं आते। हमें सबसे अच्छी लस्सी लगती है तो वृंदावन की लगती है। सब लोगों ने लस्सी पी है, अभी मैं इस ग्लास को धो के लेके आई हूँ। ये मेरा फेवरेट है, इसमें मैं पानी पीऊंगी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और इसमें डिजाइन भी डला हुआ है। और मैं आप लोगों को बता दूँ, ये लोकल मार्केट का है, तो ये मैं घर लेके आई हूँ, मेरे को वीडियो बनानी थी, सब लोगों ने पी के और फेंक दिया। तो गाइज, आप जब भी वृंदावन जाओगे, आप देखोगे वृंदावन में, आप देखोगे खाने पीने की जो शॉप है उनमें, आप लोगों को मिट्टी के ग्लास, मिट्टी के लस्सी वाले ग्लास, मिट्टी के चाय पीने वाले ग्लास, और पूजा के लिए छोटे छोटे कलश बहुत सारी लेडीजें ले रही थी। मंदिर के बाहर कलश बना के, चावल वगैरह डाल के भगवान जी की पूजा कर रही थी, क्योंकि अंदर पूजा करने नहीं देते। और वहां पे दिया बाती कर रही थी, और पानी का कलश रखे हुए थे, तो छोटे छोटे कलश थे, तो मैं तो कलश ऐसे नहीं बिठाती वहां पे। तो गाइज, मेरे को अच्छा लगा, मैं अपना लस्सी का ग्लास लेके आई हूँ। ये देखो, इसमें मैं पीऊंगी पानी, और सब लोगों ने लस्सी पी और इसको डस्टबिन में तोड़ दिया, किसी ने चाय पी, इसको डस्टबिन में तोड़ दिया। और मैंने कल दिखाया था ना, एक क्ले बाउल दिखाया था, तो उसमें भी दही देते हैं, उसमें इसमें पीने वाली दही देते हैं, उसमें वो स्पून से खाने वाली दही देते हैं, तो वो भी खाके, सब ने खाके इसको डस्टबिन में फोड़ दिया। तो मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है ना। और जो ये प्लास्टिक के ग्लास वगैरह है, वो
आप लोगों को पता ना प्लास्टिक जल्दी से मिट्टी में वो नहीं होती है, इसीलिए प्लास्टिक मना करते हैं। तो पूरे वृंदावन में क्ले के ग्लास, क्ले के चाय पीने वाले ये जो बाउल, वो पूरे वृंदावन में आपको हर जगह क्ले बाउल, क्ले ग्लास, क्ले कोलकाता क्ले पोट जो बोलते हैं छोटे चाय पीने वाले, वो मिलेंगे हर शॉप पे मिलेंगे। वो प्लास्टिक के कप में आपको कुछ नहीं देंगे, मिट्टी के में देंगे, पियो और इसको फेंक दो, क्योंकि मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और प्लास्टिक आप लोगों को पता है आजकल सब मना करते हैं कि प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, जो ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, हम लोग कुम्हार बोलते हैं, तो जो ये बनाते हैं उन लोगों को बिजनेस मिलता है, वो लोग ये बना बना के मार्केट में सेल करते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा, उनको एक रोजगार मिल गया और मार्केट में ये लोगों के पीने के काम आती है। और सबसे बड़ी बात है, ये मिट्टी में मिल जाता है, इसको तोड़ देते हैं। लेकिन जब से इस तरह की वीडियो हम ये स्वेलो वाली देखने लगे हैं, तब से लेडीजों ने सबका दिमाग खराब किया हुआ है, बेचने वाली ने भी दिमाग खराब किया हुआ है, खाके दिखाने वाली ने भी दिमाग खराब किया हुआ है। इनके चक्कर में बहुत सारी नादान पगली लड़कियां फंसी हुई है और इनको कुछ नहीं होता, उनको मेरी छोटी बहनों को बहुत प्रॉब्लम होती है, बीमार हो रही है। तो पहले मैं पानी पी लूं, फिर आप लोगों को बताऊंगी। पूरा मैंने पी लिया, तो ये खाने के लिए तो नहीं बनते, ठीक है। गरीब लोगों को रोजगार मिल जाता है और मार्केट में हम लोग इतनी दूर दूर से आते हैं तो हम लोगों को एक सहारा बन जाता है, लस्सी का, पानी का, थोड़ी सी शरीर में जान आती है, ठीक है गाइज। लेकिन यहाँ तो क्ले धंधा ही बना डाला लेडीजों ने, कोई खाके दिखा रहा है, कोई बेच के खुश है, तो इनके चक्कर में जो शरीफ घर की लड़कियाँ वो मर रही है, वो अपनी क्रेविंग को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँ, मैंने सुना है अंजलि भी शायद वहीं रहती है वृंदावन में, उसकी वीडियो में उसने बोला था, लेकिन पता नहीं यार वृंदावन में रह के वो मिट्टी खाने की वीडियो कैसे बना रही है। आप देखो वृंदावन ब्रज धाम 84 यानी 84 कोस की लोग परिक्रमा करते हैं, और जैसे ही हम गाड़ी से ब्रज में एंटर करते हैं ना, तो गाड़ी रोक के हम ऐसे लेट के मतलब प्रणाम करते हैं भगवान जी को, और वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी ऐसे माथे में लगा देते हैं, गले में लगाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इतनी पवित्र मिट्टी है वहाँ की, और मुझे बड़ी शर्म आती है, बड़ा दुख हो रहा है कि वृंदावन में रह के आप मिट्टी खा खा कर इस तरह की वीडियो बना रहे हो। देखो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ये खाने से 100% प्रॉब्लम होती है, और अंजलि को भी 100% प्रॉब्लम हुई है, लेकिन यह है कि ये लोग अपने मुंह से नहीं बताते। तो भाई ऐसा बिजनेस मत करो जिससे कि तुम्हारा भी शरीर खराब हो रहा है और तुम्हारी वीडियो देख के बहुत सारी लड़कियों को क्रेविंग होती है। तुम्हारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर थे कम एज की लड़कियों जो कि वीडियो नहीं बनाती, लेकिन आपकी वीडियो देख के उसको बहुत क्रेविंग होती है और उन्होंने बहुत क्ले खाई है और उन्होंने क्ले खा खा के अपना शरीर बर्बाद किया है बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग में वो लोग जब क्ले खाते थे तो आप बहुत अच्छे लगते थे, आपकी वीडियो का इंतजार करते थे, आपको बहुत प्यार करते थे, लेकिन क्ले खा खा के वो अंदर से खोखली हो गई है, बीमार हो गई है, वही आज की डेट में आपको गालियां देती हैं। इस तरह के सब्सक्राइबर भी हैं आपको देख के, और बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने बोला है कि दीदी वाकई में ही इनकी अंजलि की वीडियो देख के हमें क्रेविंग होती है और हमने भी खाना सीखा। बहुत सारी लड़कियों ने बोला था, बहुत सारी लड़कियों ने बोला था। तो मैं तो यही बोलूँगी, मैडम जी आप प्लीज़, आप बहुत मैच्योर हो, आपके बच्चे हैं, तो क्ले की और भी वीडियो आप बना सकते हो, खाने की ना बनाओ। और देखो ये बहुत बड़ा पाप है और ये जो गलत काम है उनकी सजा मिलेगी मिलेगी, वो किसी भी धर्म से हो जो गलत काम करिए उनको हमेशा सजा मिलती है, 100% मिलती है। आज तुम मिट्टी खाकर दिखा रहे हो और किसी का मन ललचा रहे हो, तो
उसको साइको बना के तुमने सिखाया, इसके पाप के भागीदार तुम भी हो, तुम्हें मिलेगी सजा, मिलेगी सजा, मिलेगी। और पवित्र धाम में बैठ के इस तरह की मिट्टी खाकर दिखाना और इस मिट्टी को खाकर इसके हजार गुण बताना, बताना कि यार बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी है, ये वाला खा के तो मजा ही आ गया। आप तो हर मिट्टी की तारीफ करते हो, हर मिट्टी की, ब्लैक आइटम है उसकी तारीफ करते हो, व्हाइट है व्हाइट की करते हो, रेड की करते हो, नक्कूमट की करते हो, क्ले पोट की करते हो, हर चीज की आप तारीफ करके बताते हो हमें। तो आप जब भी जो मिट्टी लेके बैठते हो उसकी तारीफ बताते हो, इसका मतलब सारी मिट्टी अच्छी है और सारी मिट्टी ये स्वेलो करने के लिए ही बनी है। आप लोगों की वीडियो देख के यही लगता है। तो आपने जितनी भी लड़कियों को मिट्टी खाना सिखाया, जितनी भी लड़कियों को क्रेविंग दी है, जितनी भी लड़कियां बीमार हुई है, देखो उनकी हाई कहीं ना कहीं लगेगी, 100% लगेगी। और भगवान जी बैठे हैं सामने, मैं सच में बोल रही हूँ, जो मिट्टी सेल करती है ना उनको आज से ही अपनी दुकानें बंद कर देनी चाहिए मिट्टी की। देखो मिट्टी अगर आप सेल कर रहे हो, जैसे मिट्टी का दीपक है पूजा के लिए सेल कर रहे हो कि भाई हम पूजा करने के लिए सेल करें, तब तो समझ में आता है। इस तरह के गिलास है, आप लस्सी लोग पिए इसलिए आप लोग सेल कर रहे हो तब भी समझ में आते हो, लेकिन आप लोग खाने के लिए बेचते हो, आप लोग बताते हो, तोड़ के दिखाते हो, पास में ले जाके जूम कर करके दिखाते हो और हल्का हल्का इनको तोड़ तोड़ के दिखाते हो, ऐसे ऐसे तोड़ तोड़ के दिखाते हो कि कितना अच्छा है, कितना क्रंची है, खाने में बहुत ही अच्छा है, और जिनके टीथ थोड़े कमजोर है उनके लिए बहुत सॉफ्ट है। ऐसी ऐसी चीजें बता बता के आप मिट्टी सेल कर रहे हो। मिट्टी आप लोगों को पता है ना, अगर स्वेलो करोगे तो स्वीट पॉइजन है। तो आप लोग, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आप लोग टेंशन मत लो सेलर की, टेंशन मत लो क्रंचस की कि दीदी रोज क्रंचस आ रहे हैं, ये लोग इस मंच से नहीं हट रहे, रोज सेलर आ रहे हैं, ये लोग इस मंच से नहीं हट रहे। तो डियर मैं मानती हूँ ये नहीं हट रहे, तो आप लोग टेंशन मत लो, बस आप लोगों को अपना माइंड स्ट्रोंग करना है कि ये ईंट पत्थर कुछ भी बेचे, ये सिर्फ इसके लालच में सेल करती है, इसके लालच में जूम कर करके दिखा के तोड़ तोड़ के दिखा रही है, इसके लालच में ये हमको बताती है कि ये बहुत अच्छा है, खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है, ये आ रही है, ऐसे बताते हैं जैसे कि आप लोग पागल होके सोचते हो कि चल थोड़ा सा तो मैं मंगा ही लूं, और मंगाने के चक्कर में आप लोग साइको बन जाते हो और आप धीरे 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 इस बहुत बुरी लत जो आपके शरीर को बर्बाद कर देती है, जो आपके किडनी लीवर सबको डैमेज कर देती है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये खाते ही आपके शरीर का ब्लड कम हो जाएगा, और ब्लड नहीं रहेगा तो अचानक आपका शरीर कहीं पे भी आपका साथ छोड़ सकता है। तो यहाँ पे प्लेट भर भर के खाना सिखाया जाता है, और देखो हर क्रंचस ने क्ले स्वेलो करना बहुत कम कर दिया। अभी मी एंड माई देखो उसने बिल्कुल ही खाना कम कर दिया, बस वो अपना फैमिली ब्लॉग चलाने के लिए थोड़ी बहुत क्ले लेती है, लेकिन कितनी सारी क्ले वो सेल कर रही है सिर्फ इस चीज के लिए कर रही है। देखो ये खाकर 100% आपका शरीर खोखला हो जाएगा, बीमारियों का जंजाल बन जाएगा, और आपका शरीर कभी भी आपका साथ छोड़ सकता है। ये 100% राइट है, सही है, और कोई भी लेडीज इसके जहर से नहीं बच सकती। अगर वो खाने की कोशिश करेगी कोई भी लेडीज नहीं बचेगी, सब लेडीजें बर्बाद होगी, लेकिन इसका रिजल्ट थोड़ा सा धीरे धीरे मिलेगा आपको। और दूसरी बात है, सारी सेलर जितनी भी क्ले सेल करके ये कमा रही है, आज वो खुश है, कल वही सेलर दुखी होंगी, क्योंकि वो अपनी मिट्टी बेचकर इन पैसों के साइको बन चुकी है, और पैसों की साइको बन के कितने घरों की लेडीजों को बीमार कर करके बिस्तर पे लेटा रही है। तो ऊपर वाला एक एक मिट्टी का हिसाब उनसे लेगा, उनका सारा मिट्टी का पैसा, सारा मिट्टी का पैसा उनका उनका भी डॉक्टर के घर में जाएगा, जो आज खुश हो रही है सारी सेलर, और ये दुखी हो के खुद अपनी दुकानें बंद करेगी। तो आप लोग टेंशन मत लो, ऊपर वाला इनको नहीं छोड़ेगा, ठीक है गाइस। तो बस अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद कल वीडियो बनाएंगे और इसमें पानी पीएंगे, ठीक है गाइस। तो आप लोगों के घर के पास भी अगर ग्रीटी क्ले का ग्लास मिले तो आप लोग जरूर लाना, लेकिन ग्रीटी लोकल मार्केट का लाना, और बस इसमें पानी पी लिया करो, ठीक है। और इसको खाने की कोशिश करोगे, इनको देख के खा ही नहीं पाओगे, इतना ग्रीटी है तो आपका मन वैसे ही नहीं करेगा। और क्रंचस और सेलर को सजा देने वाला भगवान है, क्योंकि ये दोनों गलत काम कर रही हैं, तो दोनों सजा
भुगतने के लिए वो तैयार रहें। हराम का पैसा हराम में ही जाता है। ठीक है गाइस, तो राधे राधे आप सभी को।